गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। चलिए बच्चे, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्रीड़ा स्पर्धा, और बताइए सब कार्य हो चुके हैं। यस सर। अष्टमा पाठक का पूरा? यस सर, हो गया। चलिए अच्छी बात है, इसके साथ साथ आप याद भी करते रहे हैं। याद भी करते हैं। क्योंकि अचानक जब आएंगे खुलने पर तो ये लगेगा कि हम याद नहीं कर रहे हैं, तो सारा कुछ नया नया और याद कुछ नहीं। तो इससे अच्छा है कि जब भी हम रहें स्कूल के रूटीन के अनुसार ही हम उन चीजों को याद भी करते हैं, समझते भी रहें। चलिए, हम बात कर रहे थे जिस लेसन का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। स्पर्धा को आप क्रीड़ा स्पर्धा सर ग्रामर नहीं, ये है रुचिरा। और रुचिरा आप देख सकते हैं खेल की प्रतियोगिता, इसको कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, खेल की प्रतियोगिता। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और उन्हीं के जो वार्ता है वो यहाँ दी गई है। हुमा। अब देखिए, पहला है हुमा नाम का कोई बच्ची है, कह रही कि यूयम पुत्र गच्छता, यूयम मने तुम सभी कहाँ जा रहे हो, तुम सभी कहाँ जा रहे हो, कहां या सब कहाँ जाते हो। बात दोनों एक ही है, क्योंकि संस्कृत में हम जा रहे हैं भी कह सकते हैं और जाते हो भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है लेकिन संस्कृत में ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए यूयम कुत्र गच्छता, गच्छत यानी तुम सब कहाँ जा रहे हो। Yes. उसी तरह इंदर नाम का बच्चा कहता है कि वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सभी लोग तो विद्यालय को जा रहे हैं। तभी फेकन नाम का लड़का, फेकन नाम है, वो कहता है क्या कि तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, यानी वहां पर खेल की प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामः, हम सभी लोग खेलेंगे, यानी वहां पर खेल की प्रतियोगिता है और हम सभी लोग खेलेंगे। राम चरण नाम का बच्चा कहता है कि किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एवं संति, यानी स्पर्धा माने ये प्रतियोगिता, क्या ये जो प्रतियोगिता हो रही है केवल बालकों के लिए ही है। तब प्रसन्ना नाम की लड़की कहती है क्या, नहीं बालिका अपि खेलिष्यन्ति, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे लड़कियां भी खेलेंगी उसमें, आप सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। रामचरण कहते हैं किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले अस्त, क्या तुम सभी लोग एक ही टीम में हो। दल का मतलब यहाँ टीम से मतलब है, नहीं दल आया है, आप उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। तो क्या आप सभी लोग एक ही टीम के हैं, एक ही दल के हैं, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग टीम के हैं, अलग अलग दल के हैं, ठीक है। बहुत बच्चे लग रहा है कि अभी बुक में खोज ही रहे हैं कि कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं। तो लेसन नंबर 9 है और पेज नंबर 24, पेज नंबर 51 है, पेज नंबर 51 सब पुराने चैप्टर 4 मिला क्रीड़ा स्पर्धा। चलिए आगे चलते हैं हम सर, आगे पढ़ें।
सर प्रसन्ना। हाँ प्रसन्ना कहती है कि तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां पर बालक और बालिका दोनों लोग मिलकर खेलेंगे, यानी दोनों लोग साथ साथ मिलकर खेलेंगे। तभी फेकन कह रहा है कि आम बैडमिंटन क्रीडायाम मम सह भगिनी जूली अस्ति। फेकन कह रहा है कि हाँ बैडमिंटन खेलने जो खेल की खेलने वाली है वो मेरी सह भगिनी जूली अस्ति, वो मेरी बहन के साथ जो है पढ़ती है जिसका नाम जूली है। सर इसी लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए इस लाइन को। हाँ हाँ जरूर। कह रहे कि आम हाँ बैडमिंटन क्रीडायाम मह सहभागिनी, सहभागिनी माने भगिनी माने बहन होता है और जूली उसका नाम है और सह माने साथ में, यानी कह रहे कि बैडमिंटन खेल में मेरे साथ। अच्छा ठीक है मैं म्यूट कर देता हूँ। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि हाँ बैडमिंटन खेल में मेरी जो है साथ उसकी बहन जूली भी है। ठीक है अब प्रसन्ना नाम की वो बच्ची कहती है क्या कि एतत् अतिरिक्तम कबड्डी निउद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंगम इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, यानी इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी कबड्डी वहां होगा, कबड्डी के बाद जूडो होगा, निउद्धम का मतलब जूडो, क्रिकेट होगा, पादकंदुकम का मतलब फुटबॉल होगा, उसके बाद हस्त कंदुकम का मतलब वॉलीबॉल होगा, चतुरंगम का मतलब चेस होगा और इत्यादि ये प्रतियोगिताएं जो हैं वहां पर होनी है यानी कि होंगी। ठीक है फिर से देख लीजिए, कह रहे कि इसके अतिरिक्त कबड्डी जूडो क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल और चेस इत्यादि जो है प्रतियोगिताएं वहां होंगी। क्लियर है। अब देखिए इंदर नाम का लड़का क्या कहता है, हुमे किम तुम न क्रीडसी, हुमे क्या तुम नहीं खेलती हो, तुम तौ भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडती, यानी तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलेगी यानी खेलती है, तुम्हारी बहन मेरे पक्ष में खेलती है यानी मेरे टीम में है। हुमा कहते कि नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते, वो कहती है हुमा कि नहीं नहीं मह्यम मुझे तो सिनेमा जो है बहुत ही अच्छा लगता है, चलचित्रम का मतलब सिनेमा या आप कहते हैं क्या उसको पिक्चर कहते हैं, उसको संस्कृत में हम कहते हैं या हिंदी में चलचित्र, ऐसा चित्र जो चल रहा हो। तो कह रहे कि परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं वहां पर दर्शक के रूप में रहूंगा। फेकन कहता है क्या, अहो पूरन कुत्र अस्ति, अहो पूरन कहाँ हो, किम स कस्यामपि अस्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है अर्थात किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। तभी रामचरण कह रहे हैं क्या, सह दुष्ट न सकनोती, यानी कह रहा है कि वह द्रष्टुम न सकनोती, द्रष्टुम मतलब देखने देख नहीं सकता है, वह देख नहीं सकता है यानी कि देखने में
अक्षम है। अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी कह रहे कि उसमें हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडाई प्रबंधम नास्ति, लेकिन खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी वह कहता है कि पढ़ने के लिए तो खूब व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूमा कहती है क्या, अयम कथम अपि न न्याय संगत, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण सक्षमा परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, पूरन नाम का जो लड़का है वो सक्षम है, हर प्रकार के खेलों में खेलने के लिए सक्षम है, लेकिन प्रबंधन के अभाव में, अभाव से वो खेल नहीं सकता। यानी वहाँ की जो स्कूल की जो व्यवस्था है वह वहाँ खेल नहीं कराती है, या खेल वहाँ नहीं होते हैं, इसलिए वो दक्ष होकर भी जो है खेल नहीं सकता है। भाई खिलाड़ी वही हो जो प्रैक्टिस करे तभी तो खिलाड़ी होगा। कोई भी खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस नहीं करता है तो वह नहीं हो सकता अच्छा खिलाड़ी। खेल के लिए हमें हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक जो है उसके लिए अभ्यास जरूरी है, प्रतिदिन जरूरी है। जैसे आप मैथ को हल करने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत होती है, अगर आप छोड़ दीजिए तो सब कुछ भूल जाएगा। अंग्रेजी का ग्रामर है, आप अभ्यास ना करिए वो भी भूल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास ना करें तो आप दिन प्रतिदिन इसको भूलते जाएंगे, है ना। बहुत से बच्चे लॉकडाउन में भी नहीं पढ़े, वो सारा कुछ भूल गए, और जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ जान भी रहे हैं। तो कह रहा है कि इंदर नाम का बच्चा कह रहा है क्या, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, यानी हमारे उसी के समान अनेक मित्र भी हैं। वस्तुतः तानि अन्य अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वे अन्य जो है समर्थित हैं, या हम कह सकते हैं भिन्न तरीके से वो योग्य हैं। फेकन करे कि अतः वयम सर्वे प्रचार्यम मिलामा, अब इस प्रकार हम सभी लोग जो है प्रचार्य से यानी प्रधानाध्यापक से हम लोग मिलेंगे। तम कथयामा, उनसे हम ये बात कहेंगे कि हमारे यहाँ भी व्यवस्था जो है होनी चाहिए हर प्रकार के खेलों की। शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और शीघ्र ही उनके द्वारा इसकी व्यवस्था जो है होगी, ऐसा जो है ये बच्चे कह रहे हैं। पुनः एक बार क्लियर हो गया, एक बार और चलिए देख लीजिए। हुमा कहती है कि आप सभी लोग कहाँ जाते हो, इंदर कह रहा है कि हम सभी लोग विद्यालय को जा रहे हैं। फेकन नाम का बच्चा जो है कहता है कि तुम तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, यानी वहाँ का वहाँ पर खेल की प्रतियोगिता है, हम सभी लोग खेलेंगे। रामचरण कहते हैं कि क्या ये प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। प्रसन्ना कहती है कि नहीं नहीं, बालिकाओं के लिए भी है, यानी बालिकाएं भी उसमें खेलेंगी। तभी रामचरण कहते हैं कि क्या तुम सब एक दल में हो अथवा अलग अलग दल में हो। तभी प्रसन्ना कहती है कि वहाँ लड़के और लड़कियाँ मिलकर जो है खेलेंगे। फेकन कहता है कि हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरे साथ वह सहभगिनी, यानी कि वह बहन भी उसकी जूली भी है। प्रसन्ना कहती है कि एतद, इस प्रकार से इसके अतिरिक्त कबड्डी, उसके बाद जूडो, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल और चेस इत्यादि जो है प्रतियोगिताएं जो हैं वहाँ होंगी।
इंदर कहता है कि हुमे क्या तुम नहीं खेलती हो, तो भगनी तुम मम पक्षे क्रीडती, यानी क्या तुम्हारी बहन मेरे टीम में खेलती है। हुमा कहते कि नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं नहीं मुझे तो चलचित्र पसंद है, बहुत ही रोचक है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण अस्थास्यामि, लेकिन मैं यहाँ पर तो एक दर्शक के रूप में जो है रहूंगी। फेकन कहता है कि अहो पूरन कुत्र अस्ति, अहो पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धयाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता का प्रतिभागी नहीं है। रामचरण कहता है कि वह तो देख ही नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, यानी उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए बहुत विशेष प्रकार की व्यवस्था है। परम क्रीडाई प्रबंधम नास्ति, लेकिन खेलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, खेलने का प्रबंध नहीं है। हुमा कहती है कि अहम कथम अपि न न्याय संगत, या तो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूरन सक्षमा परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुम न शक्नोति, पूरन खेलने में तो सक्षम है लेकिन प्रबंध के अभाव में वह खेल भी नहीं सकता है। इंदर कह रहे कि अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे बहुत अनेक प्रकार के मित्र भी हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, और फिर भी वो भिन्न भिन्न प्रकार से या भिन्न तरीके से हम कहें कि वो योग्य हैं। फेकन कहता है कि अतः हम सभी लोग प्राचार्य से यानी कि प्रधानाध्यापक से चल के मिलेंगे, तम कथयामा उनसे ये बात कहेंगे कि शीघ्र में वो तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, जिससे कि शीघ्र ही उनके द्वारा व्यवस्था कर दी जाएगी। क्लियर? अब इसके प्रश्न हैं, आप देख लीजिए। प्रश्न में पहला तो उच्चारण करना है, केवल आपको केवल जो है पढ़ना है इसको, पहला जो प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, यानी जैसा निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको करना है। यानी जैसे लिखा है कि अहम क्रीडामि, इसको बहुवचन में बना देना है। तो बहुवचन में जब कर्ता भी होगा, कर्ता को हम बनाएंगे तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। जैसे अहम का क्या, अहम अवाम वयम हो जाएगा, तो वयम और क्रीडामि, ठीक है, दोनों बहुवचन में हो जाएंगे। वैसे ही क का दिया, इसको भी बहुवचन में बनाने हैं। अगर लिखा कि अहम नृत्यामि, तो अहम अवाम वयम और नृत्यामि नृत्याव नृत्याम, यानी कि वयम नृत्याम हो जाएगा यहाँ भी। त्वम पठसि दिया है तो त्वम युवाम यूयम हो जाएगा बहुवचन में, यूयम और पठसि पठथ पठत यूयम पठथ यूयम पठत पठत नहीं पठत पठन्ति केवल पठथ पठत पठत यूयम पठत पठ थ केवल थ पठत 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 हाँ हाँ थ रहेगा केवल, उस पर विसर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि युयाम गच्छत त्वम युवाम, इसको क्या बनाना है, एक वचन में बनाना है, तो त्वम हो जाएगा यहाँ पर, और के साथ गच्छसी होता है ना, गच्छसी गच्छत गच्छत, तो गच्छसी हो जाएगा त्वम गच्छसी। क्लियर? वैसे ही है अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में बनाना है, है ना। तो एक वचन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए सर। मम
मम आवयो अस्माकम मम पुस्तकम, ठीक है। वैसे ही तव गृहम है, तुम्हारा घर, द्विवचन में बनाना है। तव युवयो, युवयो गृहे हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा हमको लगता है कि समझ गए होंगे। यस सर म्यूजिक बजाने की अपेक्षा पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब तीसरा जो प्रश्न है, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा, श्रेया गुप्ता। यस सर। अच्छा तुम ही हो, ठीक। करे कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा रित स्थानानि पूरयत्। अब देखिए इसमें आपको केवल क्रिया दिया गया है एक जगह, हाँ एक क्रिया केवल दी गई है और क्रिया के अनुसार आपको कर्ता लिखना है। जैसे लिखा है पठामी लिखा है, और पठामी में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कर्ता हमारा क्या होना चाहिए, अहम। जब पठामी आया है तो कर्ता क्या आएगा, अहम, अहम पठामी, अहम। हाँ जी, वैसे ही गच्छथा आया है, यानी कि ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में क्या होता है, अहम नहीं त्वम युवाम, युवाम होता है ना, युवाम हो जाएगा इसमें से। यस सर। वैसे ये सत पुस्तकम, पुस्तकम मम, पुस्तके पुस्तकानि, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक है, ठीक है। अब घ है किडकानी, यानी yes, यहाँ जो है युष्माकम हो जाएगा क्योंकि बहुवचन में है। फिर उसी तरह छात्र स्व, युष्माकम क्रीडकानी, छात्रे स्व, यहाँ क्या हो जाएगा, अहम आवाम, आवाम छात्रे स्व, ठीक है। Yes, अब वैसे ही नीचे लिखना है कि अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत्। नीचे लिखे गए पदों को सार्थक वाक्यों में बदलना है। युवयम, युवयम के साथ क्या, त्वम युवाम युवयम, यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया भी होगी, होगी ना, बोलिए। यस सर। हाँ तो मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया सबसे किस में है, लास्ट में है। यस सर। अंत में है ना, तो यहाँ पर उसी के अनुसार आप जो क्रिया लगाएंगे। फिर बयम शब्द आया है, अहम अवाम बयम, तो बयम यानी कि यहाँ पर पठामी पठावा पठामा रचयामा आया है, यानी कि ये बहुवचन में आया है रचयामा, तो क्या रचयामा, चित्राणि रचयामा भी हो सकता है, चित्र की हम रचना करते हैं, ठीक है। या हाँ दूसरा है युवाम। सर युवाम का क्या होगा, युवाम जैसे हम कहें कथा और क्या कथेशा होगा ना, यहाँ हो जाएगा लेख शिक्षिकाम दुर्दशयम, एक मिनट, नश्यथा में क्या दिया है, पूरा पढ़ो, पूरा क्या लिखा है, युयम शिक्षिकाम नश्यथा कि नयन सथा, बुक में क्या लिखा है, तो नमस्य था है। नमस्य था। यस सर। लगता है कुछ मिस्टेक है इसमें। नो सर, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इसको हम जो है क्लियर करके बताएंगे। आप यहाँ देखिए उचित पदई वाक्य निर्माणम करूँ,
यानी उचित पदों के द्वारा वाक्य निर्माण करना है। ऐसा मम पुस्तिका या मेरी पुस्तिका है, एतत यह तुम्हारा घर है, ये भी हम कह सकते हैं, एतत तव गृहम, ठीक है। मैत्री दृढ़ा यानी मैत्री दृढ़ है। चलिए इसको जो है पूरा जो है हम आज भेज देंगे, ठीक है। अब आइए आप दसवां पाठ का एक दो श्लोक आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। दसवां पाठ, अब देखिए कह रहा है कि सूर्यस्त तपतु मेघा वा बरसंतु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीत काले अपि कर्मठौ। अब यहाँ आया कृषिका और कृषिको, दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, किसान और किसान की पत्नी। भाई किसान है तो उसकी पत्नी भी तो किसान होगी ना, तो उसी के लिए आया है कृषिका और कृषिको। यस सर, बात समझ रहे हैं, किसान और किसान की पत्नी। यस सर, भाई किसान काम कर रहा होता है तो उसकी पत्नी भी साथ साथ काम कर रही होती है, तो वही बात कर रहा है कि सूर्य तपतु मेघा, यानी सूर्य तपता है, बहुत ही गर्म होता है, गर्मी के मौसम में भी ये किसान उसकी पत्नी बहुत ही कठोर परिश्रम कर रहे होते हैं खेतों में। फिर मेघा व बरसंतु, और जब बादल बहुत ही जल वर्षा करा देते हैं, अत्यधिक जब वर्षा हो जाती है, और नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ, तो ये किसान और किसान की पत्नी प्रतिदिन शीतकाल में भी अर्थात जाड़े के मौसम में भी कठिन से कठिन परिश्रम करते रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब सूर्य तपता है, जब बादल अत्यधिक वर्षा करा देती है, और शीतकाल जब बहुत पड़ने लगता है, तो भी किसान और उसकी पत्नी अत्यधिक यानी हम निरंतर वो क्रियाशील रहते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, कभी जो है इन चीजों से विमुख नहीं होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इन सभी चीजों से हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा जो है प्रयत्नशील रहते हैं और कार्य को कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा, ग्रीष्मे शरीरम, हाँ जी पुनः देख लीजिए एक बार, कह रहे कि सूर्य तपता है, बादल अत्यधिक वर्षा कराते हैं, और शीत मतलब ठंडा के मौसम में बहुत शीत पड़ता है, बहुत ठंडक पड़ती है, लेकिन किसान और किसान की पत्नी निरंतर ही क्रियाशील रहते हैं, अर्थात कार्य कर रहे होते हैं, उनको जो है न बहुत ज्यादा जल से, न बहुत ज्यादा सूर्य के तपन से, और न बहुत ज्यादा शीतकाल से अर्थात ठंडक से उनको प्रभाव पड़ता है। यानी कि तीनों मौसम में वह एक ही समान तरीके से नित्य यानी रोज खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, और इसीलिए किसान क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे किसान को यह होता है कि आज हम फसल बोए हैं तो कल हम काटेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, भले जो है उसको प्रकृति के द्वारा या तो बहुत ज्यादा जल के द्वारा या तो सूखे के द्वारा भले जो है उसको सुखा दिया जाए या उसको प्लावित कर दिया जाए, लेकिन जब किसान कोई भी फसल बोता है तो उसके अंदर एक लालसा जरूर होती है, आशा जगी होती है कि निश्चित रूप से यह हमें अनाज देगा, हमें बहुत ज़्यादा जो है फसल अच्छी होगी, और इस तरीके से अपने फसल से वो संतुष्ट होता हुआ वो कार्य करता है। और जब एक जो है फसल काट लेता है, फिर उसके बाद दूसरा फसल, फिर उसी जो है आशा से वो करता है कि हम अगर ऐसा करेंगे
तो निश्चित रूप से हमें आने वाला फसल भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इस तरीके से वो भी फसल बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा सोच करके वह क्रम से आने वाले वो 6-6 महीने के उस फसलों को या साग सब्जियों को जो बोई जाने वाली है उसको जो बोता रहता है और अपने खेतों में काम करते हुए बहुत ही संतुष्ट होता है, जबकि अन्य कोई दूसरे लोग उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि किसान होता है। देखे होंगे किसान भले ही गरीब है लेकिन संतोष होता है उसके पास, भले ही कम पैसा उसको मिलता हो लेकिन खेतों में काम करते हुए खेतों से वो हमेशा जो है उसकी इच्छा रहती है कि ये खेत हमें बहुत ही अच्छा अनाज जो है देंगे, बहुत अन्न जो है उपजाएंगे और इससे हम इसको विक्रय करके और इससे हम धन जो है कमाएंगे, ऐसा संतोष उसके पास होता है और इसीलिए वो खेतों में काम करने के लिए किसी भी मौसम में वो हमेशा जो है लगा रहता है, जबकि अन्य दूसरे लोग उतना जो है क्योंकि वो कार्य करता है तो हर मौसम के अनुसार उसकी कार्य करने की क्षमता भी जो है बढ़ जाती है, जबकि दूसरे लोगों की वैसा नहीं होता है, नहीं होगा ना। जैसे हम कार्य कर रहे हैं खेतों में तो गर्मी के दिन में कर रहे हैं तो तप रहे हैं, इसका मतलब इम्यूनिटी पावर तगड़ा है। ठंडा में भी कर रहे हैं तो पसीने बह रहे हैं, जबकि ठंडा में अन्य लोगों के पसीने नहीं बहते और किसान का बह रहा है, इसका मतलब कि वो उसको कोई बीमारी नहीं है, वो हमेशा जो है तरोताजा है और खूब थक जाता है और थकने के बाद शारीरिक रूप से थकता है और उसके बाद भोजन करके सोता है, सोने के बाद पुनः वह थकान उसकी दूर हो जाती है। लेकिन अन्य दूसरे लोग शारीरिक रूप से भी थकते हैं और मानसिक रूप से भी थकते हैं, तो ये जो है ज़्यादा नुकसानदायक होता है जो मानसिक रूप से भी थक जाए और शारीरिक रूप से भी थक जाए। तो इस तरह के थकाव ज़्यादा जो है नुकसानदायक होते हैं। तो इस तरह से कृषि का और कृषक की जो है बात यहाँ पर आई है कि किसान के साथ साथ किसान की पत्नी भी जो है उतना ही कठिन परिश्रम करती है जितना कि किसान करते हैं, है कि नहीं। अब तकनीकी युग में भले ही थोड़ा सा बदलाव हुआ हो कि उतना ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं हो रहा हो, अब जो है तकनीकी से जो कार्य हो रहे हैं हर प्रकार के, तो आदमी का काम जो है कम है, लेकिन फिर भी बिना आदमी का कोई काम भी नहीं है खेती का। खेती में जितना ही आदमी है उतना ही कम है। अब दूसरा देखिए श्लोक, ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम शीते कंपयदम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म में यानी गर्मी के ऋतु में किसान के शरीर से क्या होता है, पसीने से भर जाता है, यानी किसान का शरीर पसीने से भर जाता है। शीतकाल में कंपमयम सदा, और शीतकाल में जो हमेशा कांपता रहता है। लेकिन कह रहा है कि हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल चलाने से या उसके क्षेत्रों को जोतते से वह हर समय एक समान रहता है, चाहे वो गर्मी, मैंने यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो गर्मी में भी इतना कठिन परिश्रम करता है कि अपने जो है खेतों को जोतता है, कुदाल चलाता है और बहुत ही उसके शरीर से पसीना निकलता है। फिर ऐसी शीतकाल जो कपाने वाली होती है उस शीतकाल में भी वह कुदाल चलाता है, हल जोतता है, जिससे कि उसका शरीर उस समय भी जो है सही होता है। खैर आज तो तकनीकी के अनुसार जो है अब हल से लोग कम जोत रहे हैं, बहुत ही कम जो है ऐसे अनुपात है किसानों का या संख्या है, क्योंकि ट्रैक्टर है
ट्रैक्टर जो है बहुत ही कम समय में खेतों को जोत देता है, बस उसके बाद आपको जो है बीज बोने की बात होती है। तो किसान जो है अपने तरीके से जिन बीजों को बोता है या जिन तरीके से बीजों को बो रहा होता है तो वो बोने की जो है क्रिया करता है। अगर हम देखें तो बहुत ही अत्यधिक हम तकनीकी से काम करेंगे तो वो भी बोने की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो भी मशीनों के द्वारा बीज बो भी दिए जाएंगे। अब काटने की जब बात आएगी तो काट भी दिए जाएंगे, जैसे आलू ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि आलू को कैसे बोएगा तो आलू भी मशीन से बोई जाती है, फिर उसको कैसे मशीन से काटी जाएगी तो ट्रैक्टर से उसको जोत दिया जाएगा, जैसे सब आलू जो है बाहर आ जाएंगे। ऐसी मशीन है जिससे आलू ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे हो जाएगी और एक जगह आलू इकट्ठा हो जाएगा। तो तकनीकी ऐसी है कि अनेक तकनीकियों के कारण आज जो है किसान बहुत आगे भी हैं। और ये जो श्लोक लिखा गया है ये तो पहले समय के अनुसार लिखा गया है कि जो किसान से हल चलाते थे और सरकार सुविधा भी तो दे रही है सर। हाँ जी शिवेश क्या कह रहे हैं सर, सरकार भी तो हेल्प कर रही है किसानों की। हाँ सरकार भी कर रही है और अब तकनीकी का जमाना है ना, पहले लोग जो है धान काटते थे, अब आज वो धान जो है कार्बाइन से काटी जा रही है। यस सर। तो बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, एक ही दिन में सब हो जा रहा है, वैसे 10-15-20 दिन लग जाते थे। तो काम जो है क्या हो गया, मशीन से करने पर काम जो है जल्दी हो जाते हैं कोई भी काम। जैसे हम कुएं से पानी भरते थे, बाल्टी बाल्टी भरते थे, आज जो है हम क्या, हमारे पास जो है सबमर्सिबल है, सबमर्सिबल सबके घरों में लगे हुए हैं, एक बार बटन दबाइए पानी भर जाता है, पानी का उपयोग कर लेते हैं। यस सर। नहीं तो मशीनों से जब काम हम कर रहे हैं तो तेज हो रहा है काम, है ना, और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। सर। ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे हैं, आज हर कार्य जो है आगे हो रहा है, समय भी बच रहा है, पैदावार भी अधिक हो रहा है पहले से, पहले कम होता था, पहले लोग जो है बहुत ज्यादा भूखे रहते थे। पढ़ाई भी टेक्निक से हो रहा है। हाँ जी पढ़ाई में तो बहुत सारा बदलाव हो गया और तकनीकी तरीके से होने लगा, आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा बदलाव हो सकता है जिससे कि आपके बहुत ज्यादा इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तकनीकी तरीके से ही जो है आप पढ़ सकते हैं। तो समय के अनुसार हर चीजें बदलती हैं, ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति जब चाहे तब जो है अपने नियम जो है बदल सकती है, अपने नियम के अनुसार लोगों को चला सकती है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं बीमारी के कारण कितना बदलाव आया लोगों में, बहुत से लोग बदल भी गए और बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे कोई कार्य किया जाए कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने ऊपर जो है सेल्फ डिपेंड हो जाएं, इस तरह की बात लोग सोच रहे हैं। yes, तो ये बदलाव जो है हम समय के अनुसार ही होता है और समय जैसा चाहता है वैसा बदलाव लोगों के अंदर हो जाते हैं। वही चीज यहाँ भी बताने का प्रयास कर रहा है कि किसान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी को अन्न उपजाकर और सभी को जो है पेट पालने का काम करता है। अगर वो अन्न न उपजाए तो क्या स्थिति होगी, हम पैसे कमाकर तो पैसे खा नहीं सकते, अन्न ही खाएंगे ना, हम अनाज ही खाएंगे। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे लिए किसान बहुत ही उपयोगी है क्योंकि वही साग सब्जी अनाज इत्यादि जो है अपने खेतों में उगाता है और वो जो है अनेक लोगों के पास जो है पहुंचता है और उसको लोग जो है उपयोग करते हैं। तो उसी किसान की बात किस श्लोक में भी की गई है कि वह किसान जो गर्मी के ऋतु में भी कठिन परिश्रम करता है जिससे उसके शरीर पर